नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया डायलॉग में फिटनेस को बढ़ावा देने वाली मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों के साथ संवाद कर रही हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। फिट इंडिया डायलॉग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल्पना थी, उस फिट इंडिया डायलॉग में हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। साथ में हमारे देश के कुछ जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपना अपना क्षेत्र से उभर के आए और बहुत देश में कामयाबी प्राप्त किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। ऐसे हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं विराट कोहली, अफशान आशिक, देवेंद्र जजारिया, मिलिंद सोमन, रुजुता देवाकर, स्वामी शिवधनन सरस्वती जी, मुकुल करिटकर जी अभी लाइव प्रधानमंत्री जी के साथ फिटनेस डायलॉग के लिए जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। और देश भर में दूरदर्शन, NIC और हॉटस्टार के माध्यम से करोड़ों लोग जो आज जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। MyGov जो प्लेटफॉर्म है, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है, तो इससे भी ये दर्शाता है कि कितने लोग प्रेरित हुए हैं प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट के इस कॉल से। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट, उसमें एक अहम बात कही थी कि फिट इंडिया मूवमेंट पीपुल्स मूवमेंट बनना चाहिए, ये लोगों का ड्राइव होने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। जो कॉल किया है, मैं आज खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये पीपुल्स मूवमेंट बनते जा रहा है और पिछले 1 साल में बहुत सारा कार्यक्रम इस देश में हुआ है जो हमारे फिटनेस को एक नए स्तर तक लेके गए हैं। तो इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्रालय ने एक फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है और उस फिटनेस प्रोटोकॉल में 3 एज कैटेगरी बनाया है, जो 5 साल से 18 साल, 18 से 65 और 65 साल से ऊपर के लिए एक फिटनेस अप्रोप्रिएट एप्स बनाया है और किताब प्रिंट किया है, जिसको WHO ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है, उसको लॉन्च करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो आज के बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फिट जेंडर डायलॉग शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारा पैरा ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए, देवेंद्र जजारिया से मैं शुरू करना चाहता हूं। तो मैं अनुरोध करता हूं देवेंद्र जी, आप अपने फिटनेस कार्यक्रम और आपका जो जीवन में क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए आज के जो प्रधानमंत्री जी के साथ डायलॉग करेंगे, वो आपसे शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इंद्र जी नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, प्रणाम। देवेंद्र जी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर भी रहे हैं और मैं चाहूंगा कि शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, जब मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माताजी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप,
मैंने कहा कैसे खेलूं अब, मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माताजी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए, खेलिए बच्चों के साथ, आप भी औरों जैसे ही हैं। तो मैंने उस दिन घर से बाहर निकल के सोचा कि मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा, मैं सबसे फिट बन के दिखाऊंगा। उसके बाद खेल की शुरुआत की और 2 बार गोल्ड मेडल लिया पैरालंपिक्स में, 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फिट इंडिया जो अभियान चला है 1 साल में, हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान चला था घर घर तक, वैसे ये फिट इंडिया जो अभियान है वो भी घर घर तक पहुँचा है। मैं मानता हूँ 5 साल से लेकर के 80 साल तक के बच्चे भी इसमें, बुजुर्ग भी सभी शामिल हैं। मेरी माताजी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। तो ये जो हमारा फिट इंडिया अभियान है, बहुत ही बड़ा अभियान है ये, और हर व्यक्ति इससे जुड़ा है 1 साल में। देवेंद्र जी, मैं जानता हूँ कि जब आपका इतनी बड़ी इंजरी हो गई, आपका एक हाथ एक प्रकार से चला गया और उसके कई परेशानियां आपने झेली। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया? मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी है उस पर 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। और मैं मानता हूँ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किस प्रकार से शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं अलग अलग करता हूँ, जैसे ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज। जिस हाथ को इंजरी हुई है वहां क्या कर सकते हैं? वहां ये शोल्डर में इंजरी हुई थी, इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजें रहती है मेरी शोल्डर से, जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज। वो आपका हाथ ऊपर होता है, जो इंजर हाथ है वो ऊपर होता है? नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ, बताइए। तो इसके लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे किसी टाइम में थेराबैंड तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूब से भी एक्सरसाइज करता था। साइकिल ट्यूब लेके आते थे हम, खरीद के लेके आते थे, उससे एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास संसाधन बहुत कम थे। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए हम अब जम्मू कश्मीर चलते हैं, बेटी अफसान से बात करेंगे। अफसान ने वैसे अफसान आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है, और फुटबॉल के फैंस ज़्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए, वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को
एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे J&K स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है. नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां, उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए. हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है. क्योंकि एज अ लाइक संसार में बोला जाता है कि औरत पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. जैसे औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है. तो उस चीज के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत जरूरी है. मैं बताऊं जी, आपने जिस प्रकार से अचीव किया है, एक कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं. और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है. इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं. और मुझे विश्वास है कि आपको फॉलो करके देश भर में लड़कियां जरूर आगे आएगी और आगे तक जाएगी. लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं. जी सर, मैं एज अ गोलकीपर मेरा पोजीशन है. तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल मुझे अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा. फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज अ कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स, डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं. तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा ना हो, कम ना हो, ताकि मैं लाइक जब भी हम गोल पोस्ट पे खड़े होते हैं तो कीपर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा मैच देख रहा होता है, हर एक प्लेयर पे उसकी नजर रहती है. तो कीपर पे आई गेस मुझे लगता है 60% गेम डिपेंड रहता है, वो पूरा अपनी टीम को चलाता है. तो कीपर का फिजिकली फिट रहना जरूरी नहीं, मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है. आप इसके लिए जो करती हैं कुछ बताओगी, ताकि हमारे देश के नौजवानों को, आपका रूटीन कैसे होता है, कैसे बता करती हैं आप, थोड़ा सा उनको गाइड करिए. मैं मोस्टली मॉर्निंग सुबह 5:30 ग्राउंड जाती हूँ. ग्राउंड पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ. मॉर्निंग में 5:30 उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ, ताकि अपना माइंड कूल एंड काम रख सकूँ. मैं जो हमारे MS धोनी है, कैप्टन है इंडियन टीम के, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. क्योंकि वो बहुत ही कामली काम करते हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर ही इज़ वेरी काम. और मुझे उनकी वो जो कामनेस है खुद में लाना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे वो कामली काम करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक को अपनी लाइफ में वैसे ही कामली काम करना चाहिए. अपने मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो दिन भर के काम होते हैं वो ईजिली और स्ट्रेस फ्री कर सके. ठीक है, आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बजाय 24 घंटे स्क्रीन के सामने ही ज़्यादा समय बिताते रहते हैं. प्रत्येक राज्य में फिट रहने की अपनी स्थानीय परंपरा रही है. आपने तो बचपन अपना, भले आज इस फुटबॉल को लेकर के आप मुंबई में आप काफ़ी कुछ समय बिताती हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी एक विशेषता होती है फिटनेस की. कश्मीर में वेदर भी हमेशा अनुकूल नहीं होता है, बहुत ही विपरीत रहता है. तो ऐसे में आप वहाँ की कौन सी ऐसी पारंपरिक चीज़ें हैं जो वहाँ के बच्चों के जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है खेलकूद में कश्मीर के बच्चे शानदार है जी, अद्भुत है, ये नेचुरल फिटनेस में वहाँ क्या ऐसे तौर तरीके हैं? मोस्टली हम एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जब हम बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में खेलने जाते हैं, तो हमें वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता. हमारा स्टेमिना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उस लेवल के लिए जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं. और मैं वैली से बिलोंग करती हूँ, सब बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ है, तो डेफिनेटली पूरे चारों तरफ हमारी ग्रीनरी होती है जो हमें बहुत हेल्प करती है ब्रीथ करने में. हमें फ्रेश एयर मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ब्रीथ, कि हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करती है. और हमारे जो माउंटेन्स है, ऑल हमारे जो सराउंडिंग है माउंटेन से भरे पड़े हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा, बच्चे ट्रैकिंग को बहुत दिलचस्पी लेते हैं ट्रैकिंग में, क्योंकि माउंटेन्स है, उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलता है. और हमारी जो मोस्टली जो होती है
मन की शांति के लिए नेचर होना बहुत जरूरी है। अफसाना आपको बहुत शुभकामनाएं और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आइए मिलिंद जी से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते मिलिंद जी, मेड इन इंडिया मिलिंद जी। बिल्कुल। देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं जी। मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है जी। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी, वही उम्र है कि कुछ और है? लोग मेरे हिसाब से, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है, फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकथन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है, और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हम, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो लिमिट। और ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था। अरे वाह। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, क्योंकि वो 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है, पुशअप्स जी, बिल्कुल। हाँ, पुशअप कर रही हो। मैं जी, हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की, उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे, वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए, जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी, आपकी माता जी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे हैं जी। और बचपन में हम लोग, मुझे तो बराबर, मैं अपने गांव में
मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक एक क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वहीं स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। और ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है, लेकिन आपने इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया, मैं इसको पसंद करता हूं और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आप फिटनेस के लिए स्विमिंग को यूज करते रहे हैं, क्या अभी भी उसमें समय देते हैं? तो मेरा एक कोई ऐसा रूटीन नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। मैं दिन में जितना भी समय मुझे मिलता है, 3 मिनट हो या 30 मिनट हो या 3 घंटा हो, जितना समय मुझे मिलता है मैं एक्टिविटीज करते रहता हूं। कभी कभी बहुत कम समय मिलता है, और मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कॉम्पिटिशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है, तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूं, और मैं मैराथन दौड़ सकता हूं, मैराथन के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ये जरूरी नहीं, लोगों के समझ में कभी कभी बोलते हैं नहीं, फिट रहने के लिए इतना सारा करना पड़ता है, इतना समय की, इतनी समय की जरूरत होती है, जिम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी। मैं जब दौड़ता हूं मैं जूते भी नहीं पहनता, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके पास है उसे लेके, जो भी आपके पास है उसे लेके भी आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। सिर्फ एक मन में वो विचार चाहिए कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फिट रहना है। तो वो कैसे रहना है, आसान चीजें हैं ये। बहुत लोग हमें कहते हैं कि नहीं आसान नहीं है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो अंदर झांक के अपने आप को स्टडी करके, मन को भी तन को भी, हम बना सकते हैं अपनी रूटीन, अपना एक्सरसाइज हम बना सकते हैं। और गए सालों में लोगों ने किया है। मैं कहता हूं आपसे, मैराथन रनिंग में हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है शिवनाथ सिंह जी का 1978 में बनाया था, वो भी बिना जूते के दौड़ते थे, 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड है, जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। और मैं समझता हूं कि बात यही है कि हम सोच रहे हैं आजकल कि आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि अगर आत्मविश्वास है, और स्पोर्ट से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है आत्मविश्वास। और सिर्फ आपके आपके आवाज में, आपकी बातों में इतना अनुभव झलकता है, और मुझे विश्वास है, मैं आपका पूरा समय ले रहा हूं, मैं ही बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूं, मैं आज सुनना चाहता था जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को समझ में होना चाहिए कि हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। कितना फिट रहना है वो सबके विचार के ऊपर है। अगर आप मैराथन के लिए फिट रहना चाहते हो, आप पर्वत चढ़ने के लिए फिट रहना चाहते हो, आप सामान्य जीवन के लिए फिट रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। और मैं सोचता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए ये सारी जानकारी जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, वो लोगों तक पहुंचेगा। और आपने जैसे ये लॉन्च किया है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में मैं कहना चाहता था, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भारत के, जो मास्टर्स में भाग लेते हैं, इंटरनेशनली मास्टर्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, 60, 70, 80, 90, 100 की उम्र में इंटरनेशनल कंपटीशन जो मास्टर्स कहते हैं उसमें भाग लेते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं भारत के लिए, वो अगर हम रेकग्नाइज करें तो लोगों के, आम लोगों के समझ में आएगा कि 40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी की शुरुआत हो सकती है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। जो पिंकथॉन मैंने कहा आपसे इससे पहले, जो एक इवेंट है हम करते हैं औरतों के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसका मैस्कॉट है एक हमारी औरत जो पंजाब की है, मन कौर, आप तो जानते ही होंगे उनको, वो 104 साल की है। मिला हूं उनको। उन्होंने रन मिला है, बिल्कुल, मैंने देखे हैं फोटो, उन्होंने दिखाया मुझे फोटो कि उन्होंने रनिंग की शुरुआत की 93 की उम्र में।
तो ये जो कहानियां है जो भारत कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले के जमाने के हैं, उनको जिम नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं लगता। मिलिंद जी, आपको ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल भी पूछते होंगे, आपके मन में भी कई सवाल खड़े होते हुए है ना। आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए एक आपके लिए सवाल है। एक मेंटल चीज है, अभी हम देखते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या ये बहुत गलत है, तुम ये नहीं ना? ऐसे बहुत लोग होते हैं। और जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे हैं, तो बहुत सारे लोग और लोग कहने वाले हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहे हो, बहुत लोग करते बुरा कर रहे हो। तो ऐसे समय में अभी आपके लिए भी बहुत होगा, मेरे लिए है, जैसे आप फेमस भी होते हो, किसी पोजिशन पे भी होते हो, तब और भी लोग आपको कहते हैं, मन में बहुत उसका प्रेशर होता है कि लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं, अच्छे भी कहते हैं, बुरा भी बहुत कहते हैं, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो? देखिए मिलिंद जी, आपने जी, बड़ा अनोखा सा सवाल पूछा है। हमारे यहां कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, किसी भी काम को खुद के लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते, हम पूर्ण समर्पण भाव से एक डिटैचमेंट के साथ जब करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करते हैं, और अच्छा काम भी मोह भाव के बजाय कर्तव्य भाव से करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि तनाव नहीं आता है, ऊपर से ऊर्जा आती है, नया करने की ऊर्जा आती है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा को हमने टांग खींचना नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा एक तंदुरुस्ती की निशानी है, एक सोचने का तरीका है जी, पर यह तंदुरुस्ती तब अनुभव होगी जब हमारा ध्यान खुद से प्रतिस्पर्धा पर होगा जी। और मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बाद ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बातें चलती हैं, चलती रहेगी। चलिए मिलिंद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत ही बड़ा थैंक यू। आइए रुजुता जी से बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। नमस्ते। नमस्ते रुजुता जी। नमस्ते ऑनरेबल मोदी जी, थैंक यू वेरी मच यहाँ आके आपके साथ, आप सबके साथ मिलके और खास करके आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यही लगता है कि यू नो थैंक्स टू यू आज दाल चावल घी को अप्रूवल मिल रहा है हर एक घर में, नहीं तो हम पहले यही सोचते थे कि फ्री में अपनी दादी नानी ज्ञान बांट रही है तो उसको क्यों जी। आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र, मैं समझता हूँ आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है, और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूँ वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। और आप तो हमेशा ईट लोकल के मंत्र को लेकर के हमेशा अपनी बात बताती हैं, और लोगों को आपकी बातों में रुचि भी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सुन रहे हैं तो ईट लोकल के पीछे आप क्या कहना चाहती हैं? ईट लोकल के पीछे मैं वही कहना चाहती हूँ जो आपने अब भी कहा कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय,
तो जब हम लोकल खाएंगे तो हर कोई अलग अलग खाता है, तो उनके यहाँ का जो खाना है उनके रीजन के हिसाब से जो वहाँ पर बनता है वही लोग खाते, अगर खाएंगे तो वहाँ के फार्मर्स के लिए या वहाँ के लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल अर्थ के इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और ये नहीं होना चाहिए कि जब तक के कोई हैश टैग में हमारे ही खाने को हमारे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता तब तक हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि घी को देख लीजिए आप, घी बाय द वे पीएम सर अभी आजकल यूएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है, हाउ टू से घी, यू नो दैट्स द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। और हम लोग पहले जैसे हल्दी दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई थर्मरिक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं। इसीलिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर हम हमारे ही भाषा में हमारे ही खाने को और उसके वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए, और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो वेरी गुड, तुरंत तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात खूब। सही है। तो अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट, जरा समझाइए क्या कहना चाहती हैं आप। मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है। तो अगर घर का खाएंगे, पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन्स में काम करेंगे तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज़्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी, डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। लेकिन तो रुजुता जी, एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डाइटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, उस समय अगर आप ईट मोर वाली बात करती हैं, देखिए आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे आपने मे बी दो तीन चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने तीन चपातियाँ खा ली, तो आपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ हमारी दादी हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है उसमें साइंस छुपा हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी बात सही है, और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ, और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल रजुला जी, फार्म टू टेबल
ये आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है, कई स्टार्टअप्स इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में सदियों पुराना विचार है, और जैसे आपने कहा कि भाई हर परिवार में ये परंपराएं थी, और अब धीरे धीरे 21वीं सदी का विचार भी बन गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिन बेसिक चीजों को, यानी बैक टू बेसिक एक प्रकार से कहें, उसको प्रमोट कर रही हैं, और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातें कर करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे, अब फिटनेस की दुनिया के अलग लोग यहाँ आए, लेकिन फिटनेस का एक अलग लेवल भी होता है। और मुझे खुशी है कि स्वामी शिव ध्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने आज हमारे बीच आकर के हमें आशीर्वाद भी देने का और मार्गदर्शन करने के लिए स्वीकार किया है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और एमआईटी से मास्टर करने के बाद आपने ये मार्ग चुना है। लोगों को जरूर आश्चर्य भी होता होगा, आदर का भाव भी आता होगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संबंध में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड और इस प्रकार का आज का ये समर्पित जीवन, मैं समझता हूं आपकी बात को नई पीढ़ी जरूर नए तरीके से स्वीकार करेगी, और इसलिए जरूर हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय और योग नगरी मुंगेर के नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका उत्तर भी आप एक रूप से दे ही चुके हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो मंत्र आपने अपने जीवन का हम लोगों के सामने रखा है, वही एक प्रेरक, वही एक प्रोत्साहक का कार्य करता है और जीवन में समर्पण का एक क्षण लाता है। अपने बारे में कुछ ज्यादा कहना तो संकोचजनक होगा। मैं यहाँ केवल अपनी गुरु परंपरा के महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूँगा, उनके जीवन का उल्लेख करूँगा तो मेरे जीवन की बात भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से। आप में से कई लोग जानते होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उच्चतम डिग्रियाँ प्राप्त थी उनको, FRCS की उच्च डिग्री प्राप्त की थी उस जमाने में, और उस समय वो मलाया में काम करते थे और बहुत यश था, नाम था, धन था। लेकिन एक क्षण आया उनके जीवन में जब इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर मलाया से हिमालय आ गए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। हमारे परम गुरु जो उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कुमाऊं के एक संपन्न जमींदार के पुत्र थे। सैकड़ों एकड़ जमीन थी, 19 बरस की आयु में सब छोड़ के अपने गुरु चरणों में आए और संन्यास्त होकर अपने गुरु आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। उनका गुरु आदेश यही था कि योग को नगर नगर डगर डगर फैलाना है, योग को प्रतिष्ठित करना है, और यही काम स्वामी सत्यानंद जी ने किया। और अंत में हम अपने गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी की बात करना चाहेंगे। 4 वर्ष की आयु में वो अपने गुरु के पास रहने के लिए आ गए। 4 वर्ष की आयु, जिस समय बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन समर्पित किया अपने गुरु के काम के लिए, गुरु के मिशन के लिए।
ऐसी महान हस्तियों के सामने तो हम किस खेत की मूली हैं। इतना ही कहेंगे कि उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शिक्षा को अपने सामने रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास है। योग के माध्यम से जनमानस में हम जितना उत्थान ला सकें, जितनी एक सजगता ला सकें, जिससे लोग अपने जीवन को उत्तम, श्रेष्ठ, योगमय और सुंदर बना सकें, यही एक भाव है जो हमें प्रेरित करता है। स्वामी जी, आपने पुरातन शास्त्र परंपरा और आधुनिक विज्ञान, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े इंसान हैं, बड़ा अद्भुत संयोग किया है। आपने आश्रम का एनवायरनमेंट और उसको एकदम से इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, यानी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपने आधुनिक भारत के लिए दिया है। मैं जरूर समझना चाहूंगा कि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन जो आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान जरूर उस पर जाएगा, इसके पीछे की थोड़ी कल्पना मैं सुनना चाहूंगा। इसके पीछे की जो विचारधारा है जो हमको प्रेरित करती है, वो हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल में छोटी उम्र से ही बच्चे आके रहते थे, वहीं गुरु के साथ रहते थे, तो पूरा एक आवासीय माहौल बनता था जिसमें न केवल बौद्धिक शिक्षा प्राप्त होती थी, मुख्य चीज थी कि वो अनुभवात्मक रहती थी। जो चीज़ें केवल सिद्धांत के तौर पर कही जाती थी, अब वो जीवन में उतरने का एक मौका मिलता था। तो हमारे आश्रम में भी यही एक शिक्षण की पद्धति है। हमारे आश्रम में जितने भी सत्र चलते हैं योग प्रशिक्षण के, वो पूर्णतः आवासीय होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि योग मात्र एक अभ्यास नहीं है, वो एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विधा है। और उसको केवल लेक्चर से या सिद्धांतों को सुनकर समझकर पूरी तरह आत्मसात कर पाना संभव नहीं, उसको जीना पड़ता है। और आश्रम वो एक माहौल, एक वातावरण उपलब्ध कराता है कि हम योग के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकें। तो वो जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण है, वो हमने खुद अपने जीवन में देखा है, और अपने जो जितने भी विद्यार्थी आते हैं, शुरू में भले ही उनको थोड़ा सा अजीब लगता हो, क्योंकि सब काम स्वयं करते हैं, आश्रम में कहीं कोई सेवक नौकर नहीं, एक स्वावलंबन की भावना आती है। हम देखते हैं लड़के लड़कियां आते हैं, कभी अपना कपड़ा साफ नहीं किया, कभी बर्तन साफ नहीं किए, आश्रम में आके हर चीज़ स्वयं करनी पड़ती है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन जिस समय वो जाते हैं, कह के जाते हैं कि इस अनुभव ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो ये हमारे प्रशिक्षण की विशेषता है। स्वामी जी, जो सब बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है आज के समय के हिसाब से योग को ढालना। जिस तरह से समय बदला है, लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, आपने योग को उन जीवन शैली के साथ बहुत बहुत कुशलता से उसको फिट किया है। यानी जो आजकल के जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टिकना नहीं, फलाना है नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ ना कुछ रास्ता खोजा है। अगर वो भी थोड़ा देशवासियों को आप गाइड करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब योग सीखने और करने की बात आती है, लोगों की यही प्रायः शिकायत रहती है, समय नहीं है, आसन प्राणायाम करने हैं, हमको एक घंटे का समय लगेगा, इतना समय हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से नहीं निकाल सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने एक योग कैप्सूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। योग के छोटे छोटे अंग, जिनको आप अपने जीवन, दैनिक जीवन के अलग अलग समय पर अपने जीवन में शामिल करके योग का अधिकतम लाभ ले सकते हैं, जिसे कहा जाए कि मैक्सिमम बैंग फॉर द मिनिमम बक, अधिकतम लाभ न्यूनतम समय और न्यूनतम उसमें समय देकर। और ये जो कैप्सूल है, संक्षेप में कहें तो ये पांच कैप्सूल हैं, इसे पंचमुखी कैप्सूल साधना समझ लीजिए।
इसका पहला कंपोनेंट है मंत्र, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन, पांचवा ध्यान। क्योंकि ये हम लोगों का मानना है कि फिटनेस केवल शारीरिक नहीं है, वो एक उसका आवश्यक अंग है, लेकिन योग में हम फिटनेस को एक समग्र रूप से देखते हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम भावनाएं हैं, बुद्धि है, हमारे विचार हैं, व्यवहार है, आचरण है, आदतें हैं, सजगता है, समझ है, इन सबको विकसित कर पाना, इन सबको संतुलित और इनके बीच सामंजस्य लाना, इनको एक सुंदर रूप देना, ये योग का लक्ष्य है। तो यदि इसको इस तरीके से किया जाए, मंत्रों की साधना का समय भी एक निर्धारित है, वो समय है कि सवेरे जगते ही, जिस समय आपने बिस्तर भी नहीं त्यागा हो, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सक्रिय है, सबकॉन्शियस माइंड, उस समय किया गया मंत्र आपके व्यक्तित्व के गहन आयाम में पहुंचता है और आपके दिन भर की गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कई लोग धर्मों को मंत्र को धर्मों से जोड़ देते हैं। ये हम समझते हैं मंत्र के गहन और प्राचीन विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मंत्र तो ध्वनि का विज्ञान है, धर्म तो बहुत बाद में आए, पर इन मंत्रों का प्रयोग करके, और सरल से मंत्र जो हमारी संस्कृति में शुरू से चलते आए हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, दुर्गा जी के 32 नाम हैं, सरल से मंत्र जिनको यदि आप सवेरे एक प्रथम कैप्सूल के रूप में अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं, तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है आपके मानसिकता में, आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, आपके आध्यात्मिक विकास में। स्वामी जी, आपका ये कैप्सूल का पंचामृत, आपने कैप्सूल की तरह ही आज परोसा है, और मुझे विश्वास है कि आपका ये कैप्सूल का पंचामृत सबके भलाई में काम आएगा। लेकिन आपने समय दिए, आशीर्वाद दिए, मैं आपका आभारी हूँ। आइए हम विराट कोहली जी के साथ बात करने के लिए चलते हैं। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला, और वहाँ तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपके हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी, और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे, कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी, वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था, और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे, हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो है सर, वो पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखताड़ हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो
अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर, उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपके मुझे छोटे सामने छोटे कैलोरी चेंजेस कम अब करने का भी तो चैलेंज रहता होगा और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर, मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन। तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को, और रात तक हम खाते चले जाते हैं। तो मैं जब छोटा भी था तो 11:30 बजे डिनर हो रहा है, उसके बाद मीठा खा के एकदम सो गए, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ उसके बाद वॉक नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। आप अपने आप को ओवरऑल फिट रखने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी रुजुता जी ने बोला। तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कि आप, आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे बाहर। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है, क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर, टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट कल्चर जी, बना मैं है। देख रहा हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नज़र आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो
आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूँ और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूँ, तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए मुकुल कानिटकर जी से बात करते हैं। ये मुकुल जी की दुनिया अलग है, जो उनसे बात करते ही हमें पता चलेगा मुकुल जी से। मुकुल जी, आपके हिसाब से आज के संदर्भ में आप फिटनेस का अर्थ क्या करते हैं? क्योंकि आप तो गीता और विवेकानंद और इन्हीं चीजों के आसपास अपनी बातें करते रहते हैं, तो उस बातों को कैसे समझाएंगे आप? हम भारतीय दृष्टि में, शिक्षा में, भारतीय दर्शन में फिटनेस को या स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। इट्स अ कंप्लीट कंसेप्ट। केवल शरीर के स्वस्थ होने की बात नहीं है, मन, बुद्धि और उससे भी महत्वपूर्ण भावना का स्थान फिटनेस में बहुत बड़ा होता है। और एक पक्ष जिसको आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में देता है हेल्थ की डेफिनेशन में, वह पक्ष है सामाजिक स्वास्थ्य का पक्ष। और इसलिए आपने ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, स्वस्थ भारत का ये अभियान शुरू किया है, क्योंकि पूरा समाज स्वस्थ होने का प्रयास करेगा तब व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा। इसलिए ये जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है स्वास्थ्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको तो बहुत खुशी होती है, भगवद्गीता कहती है यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। और देश के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का बखान करते हैं, तब सारा देश प्रेरणा लेता है सूर्य नमस्कार की। मैंने 4 साल की उम्र में माँ को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा और उनका अनुसरण करते करते सूर्य नमस्कार सीखा, और तब से सूर्य नमस्कार एक दिन भी बिना रुके कर रहा हूँ। और आज मध्य प्रदेश में हर स्वामी विवेकानंद जयंती को 12 जनवरी को आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार का संचालन होता है, और 1 करोड़ से ज़्यादा स्कूली छात्र 2007 से लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं। इसलिए आपका वो सूर्य नमस्कार का वीडियो देख करके इतना आनंद हुआ और ऐसा लगा कि अब इस देश के सर्वोच्च स्थान से भी सूर्य नमस्कार की बात हो रही है। तो समर्थ रामदास के बाद आपकी याद आई कि आपने ऐसा एक बहुत अद्भुत मंत्र दिया। मुकुल जी, आप इतने सालों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा कि एक मध्य प्रदेश का सूर्य नमस्कार की सफलता, और आप जिस मिशन को लेकर काम करते हैं, आपको क्या लगता है? भगवत गीता दो वीरों के बीच का संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। कृष्ण वह है जिसने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, और अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं, दाहिने बाएं दोनों हाथ से गांडी उठा करके 24 घंटे बिना नींद लिए कर्म करने की क्षमता है। इसलिए भगवत गीता दो सबसे फिट लोगों के बीच का संवाद है। इसलिए गीता का स्वाध्याय यह फिटनेस का मंत्र है, और उससे आदमी के मन में वह जागृति होती है कि मेरे को अपने जीवन में सब स्तर पर, शरीर, मन, बुद्धि, भावना के स्तर पर, और उससे भी ऊंचा आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे भी फिट होना बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा मन मेरे शरीर में फिट हो, मैं परिवार में फिट हूँ, मेरा परिवार समाज में फिट हो, समाज पूरे राष्ट्र की आवश्यकता में फिट हो, और हमारा राष्ट्र विश्व में योगदान करने के लिए विश्व समुदाय में फिट हो। तब तो माता भूमि पुत्रों हम पृथ्वीव्याम होगा, और हम पर्यावरण को भी फिट करेंगे। इसलिए ये फिटनेस एक भगवद्गीता एक समग्र विचार हमको देती है, एक दृष्टि देती है। और इसलिए मैंने हमेशा पाया, पिछले 30 वर्षों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो युवाओं को जब ये दृष्टि देते हैं तब वो कहते हैं, पहले तो हम सोचते थे गीता रिटायरमेंट के बाद की बात है, अब पता चलता है गीता पढ़ेंगे तो रिटायर होंगे ही नहीं, रिटायर होते रहेंगे, बार बार टायर बदलते रहेंगे और नई नई पारी खेलते रहेंगे। यह युवाओं को प्रेरणा भगवद गीता से मिलती है। मुकुल जी, आप शिक्षा और युवाओं को लेकर पैशनेट है, आप युवाओं के मन में भी आपसे कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। मेन चीज है मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, क्या उसके संबंध में आप कुछ बात सरलता से समझा पाएंगे? जी, बहुत बढ़िया। आपको पहले तो एक इस बात के लिए बधाई दे दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने फिटनेस को, खेल को, योग को
एक्स्ट्रा करिकुलर से करिकुलर में लेकर के आया। अब ये पाठ्येतर गतिविधि नहीं बन गई, अब ये पाठ्यक्रम का अंग बन गई है, अब उसके क्रेडिट मिलेंगे। ये एक बहुत अद्भुत क्रांतिकारी काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी बधाई। मैं से हम की प्रक्रिया है, ये जो व्यक्ति केंद्रित विचार के कारण फिटनेस में गड़बड़ होती है, चाहे वो फिर आहार की बात हो, चाहे विहार की बात हो, चाहे व्यायाम की बात हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र है, वह मंत्र होता है मैं के विस्तार से। इसलिए मेंटल और इमोशनल फिटनेस जो है वह निस्वार्थता की ओर ले जाने वाली है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है एन ऑन्स ऑफ अनसेल्फिशनेस, एक रत्ती भर भी निस्वार्थता आपको टनों शक्ति प्रदान करती है, इतनी बड़ी मनो शक्ति प्रदान करती है। ये जो ताकत देने वाली बात है, जब मैं व्यक्तिगत स्वयं के लिए काम करता हूँ और जब मैं उसी काम को परिवार के लिए करता हूँ, तो मेरे मन का विस्तार होता है, मेरी भावना का विस्तार हो, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ बड़ा हो जाता है। और आज आप सारे काम देश के लिए करते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। विराट कोहली जी जब देश के लिए खेलते हैं और जब क्लब के लिए खेलते हैं, उनके खेल में हम देखने वालों को फर्क दिखाई देता है। जब मैं राष्ट्र के लिए स्वयं को दांव पर लगाता हूँ तो मेरी इफिशियंसी बदल जाती है, क्योंकि मेरी भावना का उतना विस्तार होता है। फिर 135 करोड़ भारतवासियों का भावनात्मक संबल भी मुझे मिलता है। इसलिए ये जो मैं से हम की प्रक्रिया है, और फिर भारत सारे विश्व के लिए काम करता है, तो सारी मानवता, सारी सृष्टि और फिर परमेष्टि, ये जो आध्यात्मिक विकास तक जो मैं से हम की यात्रा होती है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि, यह जो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, यह फिटनेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये जीवन का पर्पज ऑफ लाइफ बदल देता है, और पर्पज ऑफ लाइफ ही तो सब कुछ है, नहीं तो फिर तो मेंटेनेंस की हो जाएगी कि कार घर में ले आओ और उसको चकाचक रखो और मेंटेन करो, लेकिन चलाओ मत क्योंकि चलाने से खरोच आ जाएगी। वैसे ही शरीर को केवल मेंटेन करना तो फिटनेस नहीं है, उस शरीर मन बुद्धि से बने हुए व्यक्तित्व का एक गंतव्य है, एक लक्ष्य है, एक पर्पस ऑफ लाइफ है, एक मकसद है जिसको प्राप्त करने के लिए हमको काम करना है। और जब इस देश के 135 करोड़ लोगों के मन में राष्ट्रहित गंतव्य हो जाएगा, मेरा छोटा से छोटा व्यापार भी, मेरी छोटी से छोटी नौकरी भी, मेरा छोटा से छोटा कर्म भी, मैं भारत के लिए योगदान कर रहा हूँ, ये भाव आ जाएगा, तो फिर फिट रहना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मेरी ड्यूटी हो जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा, लग्जरी नहीं रहेगा। इट वोंट बी ए लग्जरी, इट विल बी माय प्राइम ड्यूटी कि मैं फिट रहूंगा तो भारत फिट रहेगा। इसलिए इस भाव को आपने जगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मन से प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। और आप उसको, यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप उदाहरण बन करके उसको लीड कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज देश के वो प्रेरणा देने वाले ऐसे 7 महानुभावों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने समय निकाला और आपके खुद के अनुभवों को बताया। आपने फिटनेस के भिन्न भिन्न आयामों पर खुद के जो अनुभव शेयर किए, वो निश्चित रूप से देश की हर पीढ़ी को बहुत ही लाभकारी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 1 साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना 1 साल
एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। अभी हमने देखा युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किया है। साथियों, आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, उसको एक प्रारूप दिया है और प्रचारित किया है। फिजिकल एक्टिविटी पर ग्लोबल रिकमेंडेशन भी जारी किए हैं। आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए हैं और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है और उनके ज्यादा से ज्यादा नागरिक डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े। साथियों, हमारे आयुर्विज्ञान शास्त्रों में कहा गया है, सर्व प्राणी भृताम नित्यम आयुः युक्तिम अपेक्षते, देवे पुरुषाकारे च स्थितम ही अश्य बलाबलम। अर्थात संसार में श्रम, सफलता, भाग्य सब कुछ आरोग्य पर, हेल्थ पर ही निर्भर करता है। स्वास्थ्य है तभी भाग्य है, तभी सफलता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को फिट और मजबूत रखते हैं। एक भावना जागती है कि हां, हम स्वयं के निर्माता हैं। एक आत्मविश्वास आता है। व्यक्ति का यही आत्मविश्वास उसको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। यही बात परिवार, समाज और देश पर भी लागू है। एक परिवार जो एक साथ खेलता है, एक साथ फिट भी रहता है। अ फैमिली दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इस महामारी के दौरान कई परिवारों ने यह एक्सपेरिमेंट करके देखा है, साथ में खेले, साथ में योग प्राणायाम किया, एक्सरसाइज की, मिलकर पसीना बहाया। अनुभव यह आया कि यह फिजिकल फिटनेस के लिए तो उपयोगी बना ही, लेकिन उसका एक और बाय प्रोडक्ट के रूप में इमोशनल बॉन्डिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऐसी अनेक बातें भी
परिवार की एक ताकत बन गई, सहजता से उभर करके आई। आमतौर ये भी देखने में आता है कि कोई भी अच्छी आदत होती है उसे हमारे माता पिता ही हमें सिखाते हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में अब थोड़ा उल्टा हो रहा है। अब युवा ही इनिशिएटिव ले रहे हैं और माता पिता को भी एक्सरसाइज करने, खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संदेश स्पिरिचुअली और सोशली तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके और भी गहरे निहितार्थ भी जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक ये भी मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जब हमारा मन चंगा होता है, स्वस्थ होता है, तो ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। और अभी चर्चा में आया था कि मन स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए एक अप्रोच है मन को विस्तार देना, संकुचित मैं से आगे बढ़कर जब व्यक्ति परिवार समाज और देश को अपना ही विस्तार मानता है, उनके लिए काम करता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये एक बड़ी जड़ी बूटी का काम करता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। आजकल लोगों से, समाज से, देश से जुड़ने और जुड़े रहने के लिए तरीकों की, माध्यमों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, भरपूर अवसर है। और प्रेरणा के लिए हमारे आसपास भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। आज जिन सात महानुभावों को सुना, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होती है। हमें बस इतना करना है कि अपनी रुचि, अपने पैशन के अनुसार कुछ चीजों को चुनना है और उसे नियमितता से करना है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हर पीढ़ी के महानुभावों से आग्रह करूंगा, तय कीजिए कि आप दूसरों की कैसे मदद करेंगे, क्या देंगे, अपना समय, अपनी नॉलेज, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। साथियों, मुझे भरोसा है देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे और हम सब भी मिलकर के लोगों को जोड़ते रहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है, इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया बल दें, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। फिट इंडिया व्यक्ति समष्टि का एक पूरा सिलसिला चले, इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।